आज सुनिए आंवला नवमी की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें आंवले का फल या आंवले के पत्ते अर्पित करता है, भगवान विष्णु के साथ साथ उन्हें माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो हर रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। इस प्रकार उसका नाम ही आंवलिया राजा पड़ गया। वह हर दिन 1.25 मन आंवले दान करता और तभी भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं और इस प्रकार एक दिन तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए एक दिन अवसर पाकर बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह से दान देना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर अकेले घने जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूखे प्यासे दोनों को 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसके सत का मान नहीं रखा, तो लोगों का पूजा पाठ से और मुझ पर से तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। एक दिन सुबह राजा और रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़ या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करने के बाद भोजन ग्रहण किया और इस प्रकार दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा के बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दोनों पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए। इस प्रकार काम ढूंढते हुए और खाने पाने की तलाश में वे भटकते भटकते अपने ही पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। दोनों के हालात इतने खराब थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। बेटा बहू सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने अपनी सास के बालों की चोटी बनाते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देख लिया। ये सब देखकर और सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था और हमने उन्हें ये सोचकर आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमने उन्हें दान करने से रोका और इसके बदले ही हमारा धन नष्ट हो गया। आज पता नहीं हमारे सास ससुर कहाँ होंगे, जाने कहाँ भटक रहे होंगे। ये सब बातें सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? तब उसने बताया कि माँ जी, आपकी पीठ जैसा मस्सा तो मेरी सासू माँ की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे नाराज होकर और दुखी होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। बहू ने जब ये बात बताई तब रानी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बता दिया। अपने बेटे और बहू को भी समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। अब बेटा बहू भी बड़े सुख से राजा और रानी के साथ ही रहने लगे। अब वे भी आंवले का दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करने लगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से उन दोनों के पास भी अथवा धन संपत्ति हो गई और धीरे धीरे सारी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करने लगी।
हे भगवान, जैसे आपने राजा और रानी के विश्वास की लाज रखी, वैसे ही लाज सबके विश्वास की रखना। इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी के परिवार में सुख बनाए रखना। ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। आंवला नवमी की कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इस कथा को सुनने के बाद विनायक भगवान अर्थात गणेश भगवान की कथा भी सुनी जाए। अब सुनिए विनायक भगवान की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी जी से तय हो गया था। विवाह की तैयारियां खूब धूमधाम से की गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। सभी देवी और देवता गणों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से पूछने लगे, क्या बात है भगवान, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? उन्हें निमंत्रण भेजा गया है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं नाराज होकर भी आए ही ना हो? सबकी बात सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, निमंत्रण तो भेजा गया है, हमने महादेव को निमंत्रण भिजवा दिया है। अगर गणेश जी को आना ही होता तो महादेव के साथ आ जाते। अब ऐसे में गणेश जी को साथ ले जाना अच्छा भी तो नहीं लगेगा। एक तो वो मोटे हैं और बहुत सारा खाते हैं, दूध दुछलिया, सूंड सुंडलिया, उखल से पांव और सूप की तरह कान और बड़े बड़े मोटे मस्तक वाले भी तो हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? अगर आ भी गए तो रखवाली के लिए यहीं छोड़कर चले जाएंगे। और होना क्या था, थोड़ी ही देर बाद गणेश जी भी वहां पधार गए और सभी गणेश जी को दरवाजे की देखभाल करने के लिए और घर की चौकीदारी के लिए छोड़कर सब बारात के साथ चले गए। थोड़ी ही देर में देवर्षि नारद गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने नारायण नारायण कहकर कारण पूछ लिया। कारण जानने के बाद नारद जी ने गणेश जी को और भड़का दिया और कहने लगे कि आज तो भगवान श्री हरि ने आपको बुलाकर बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती इसीलिए तो आपको साथ नहीं लेकर गए। और इतना ही नहीं, बारात में ले जाने के बजाय आपको घर की चौकीदारी करने के लिए बिठाकर चले गए। ये सब बातें सुनकर गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने झट से अपने चूहों को आज्ञा दे दी कि जाओ और सारी जमीन खोखली कर दो। थोड़ी ही देर में भगवान गणेश की मूषक सेना ने रथों के आगे की सारी जमीन को खोखला कर दिया और इससे जमीन जो थी वो खोखली हो गई। थोड़ी ही देर बाद जब भगवान श्री हरि की बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए खोखली जमीन में धस गए और इस तरह धस गए कि रथ के पहिए आगे बढ़ ही नहीं पाए। बहुत कोशिश कर ली, सबके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले। तो पास के ही खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। जब उसने सारा हाल देखा तो पहियों को हाथ लगाकर कहने लगा, जय गजानन जी। और कहते ही तुरंत रथ के पहिए जमीन में से बाहर आ गए। सब देखते ही रह गए। सभी बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को याद क्यों किया? किसान कहने लगा, गणेश जी का ध्यान किए बिना और उनका नाम लिए बिना भला आज तक कोई काम सिद्ध हुआ है तो मेरा काम कैसे सिद्ध हो जाता? जो कोई भी सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है उसके सारे काम बड़ी आसानी से बनते चले जाते हैं। अब सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को ही छोड़कर आ गए। अब सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक जन को भेजकर गणेश जी को बुलवा लिया, साथ ही गणेश जी से माफी भी मांग ली। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया और तब कहीं जाकर भगवान श्री हरि का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी खुशी खुशी घर वापस लौट कर आ गए। इस प्रकार कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश भगवान जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। उनका नाम लेने मात्र से ही आने वाले सारे संकट टल जाते हैं। हे गणपति भगवान, जैसे आपने भगवान श्री हरि का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबकी कार्य सिद्ध करना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी के सारे विघ्न दूर करना। बोलो गणपति भगवान की जय।